पुरी साहब, आप अपना टाइम और डेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? आप कमर्शियल सिनेमा, हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा में भी नजर आते हैं एंड उसमें भी चमकते हैं, और फिर ऐसी पर्पजफुल फिल्मों में भी आप नजर आते ही हैं, फिल्में करते ही हैं। हाउ डू यू डिवाइड योर टाइम एंड हाउ डू यू डिसाइड कि मुझे ये फिल्म करनी है या ये फिल्म नहीं करनी? देखिए, ऐसा है कि कैरेक्टर एक्टर्स के पास चॉइस बहुत कम रहती है, और आप जैसे कैरेक्टर एक्टर्स के पास चॉइस कम रही है तो मैं मान ही नहीं सकता हूं। नहीं रहती है, आप मानिए इस बात को। खैर, बहरहाल मेरा पहला प्यार जो है वो सिनेमा है जो हमारे सामाजिक प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो मेरा पहला वो होता है। जैसे धूप नाम की एक फिल्म आई थी जो कि असली वाक्य पे थी, एक ऐसे प्रोफेसर के बारे में जिसका बेटा कारगिल वॉर में मारा जा चुका है, और उसके साथ क्या घटता है। उसको एक पेट्रोल पंप दिया जाता है चलाने के लिए, उसने कहा मुझे नहीं जरूरत, मैं तो पढ़ाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, ये जेस्चर है सरकार की तरफ से, आप अपने बच्चे के नाम पे से चलाइए। तो उसको पाने में, उसकी इलेक्ट्रिसिटी लाने में, पानी लाने में उसको इतनी परेशानियां हुई, हर जगह उसको ब्राइब देनी पड़ी जिसके लिए वो तैयार नहीं था, और फाइनली उसने प्राइम मिनिस्टर के आगे फाइल रख दी कि भैया ये रही आपकी फाइल, मुझे आपका पेट्रोल पंप नहीं चाहिए, धन्यवाद। और उस दौरान फिर 14 लोगों को बर्खास्त किया गया था। तो जब इस तरह की चीज, जैसे ही मुझे स्क्रिप्ट उन्होंने सुनाई, मैंने एक लाइन सुनी, उन्होंने कहा ये उनका बेटा कारगिल में मारा गया था, ये प्रोफेसर पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में दिल्ली में। मैंने कहा एक मिनट, ये उसी बच्चे के बारे में है ना, पेट्रोल पंप के बारे में? उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट नहीं सुननी, मैं जानता हूँ स्क्रिप्ट, मैंने अखबारों में पढ़ा है इसके बारे में, मैं ये फिल्म करूंगा। तो मैं इस तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, और मैं कमर्शियल सिनेमा का भी हिस्सा हूं, और मैं शुक्रगुजार हूं कमर्शियल सिनेमा का भी कि उसकी वजह से मेरा घर चलता रहा, मैं एक डिसेंट लिविंग में जी रहा हूं, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा एक अपर मिडिल क्लास का है, वो कमर्शियल सिनेमा की वजह से। तो मैं आर्ट सिनेमा को नहीं छोड़ना चाहता, मैं ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में, आर्ट सिनेमा में करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि सिनेमा खासकर हिंदुस्तान जैसे शहर के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द थिंकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्रपोजल्स बनाते हैं यहाँ पर कि इतना पैसा डाला, इतना बेच के इतना आ जाएगा, तो अपनी टेबल प्रॉफिट इतनी है तो बना डालो। नहीं, लेकिन ये जो 10-12 लोग मैंने बॉम्बे के आपको गिनाए हैं, वो उन्होंने बड़ा समझदारी से काम लिया। मुझे कोई शिकायत नहीं कि वो स्टार्स को लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। यू नो, अगर आरक्षण बन रही है उसमें स्टार्स हैं, आरक्षण को लोग, ज्यादा लोग देखेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई ठीक है, हम उस फिल्म का हिस्सा नहीं है लेकिन एक अच्छी फिल्म बन रही है। तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए। मुझे अफसोस है कि गोविंद निहलानी खाली बैठे हैं इतने साल से, मुझे अफसोस है कि श्याम बेनेगल खाली बैठे हैं। यू नो, ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोड्यूसर आगे नहीं आता कि गोविंद साहब आपने तमस बनाई, आपने असत्य बनाई, आपने आक्रोश बनाई, आपने आघात बनाई, आपने द्रोहकाल बनाई, ये लीजिए धन, आप एक अच्छी फिल्म बनाइए, स्टार्स को लेके ही बनाइए। करेक्ट, मगर इसका तोड़ क्या है फिर? इसका तोड़ है कि हमारे अंदर जो किसी भी किस्म की जिम्मेदारी है वो मर गई है, और अब हमें चुनाव करना है कि हम किस तरह से जाने जाना चाहते हैं, क्योंकि जाना तो सबको है। तो जाने के बाद आप चाहेंगे कि आपका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं हो या ना हो, ये आपको तय करना है। अगर आपको सिर्फ आपका मकसद धन कमाना है, सिनेमा में जब शुरू में लोग थे, विमल रॉय थे, गुरुदत्त थे, महबूब खान थे, वी शांताराम थे, उस वक्त जब सिनेमा शुरुआत हुई तो लोग जो भी सिनेमा में आए वो किसी साहित्य बैकग्राउंड से थे, या राइटर थे, या लेखक थे, कवि थे, म्यूजिशियंस थे, क्लासिकल सिंगर थे, किसी का भी आप देखें तो वो ऐसे लोग सिनेमा में आए थे। इसीलिए हमारा 50 और 60s का सिनेमा जो है वो गोल्डन पीरियड है सिनेमा का। उसके बाद जैसे ही ये सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ ये माध्यम, तब व्यापारी लोग इसमें आने लगे, और व्यापारियों ने आके, जाहिर है उनको तो जैसे साबुन बेचते हैं वैसे फिल्म बेचनी है। सो यू आर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस? आई एम नॉट अगेंस्ट। ओके, कि मैं कहता हूं मनोरंजन की फिल्में भी बने,
मैं कहता हूं कि लोगों के लिए मनोरंजन उतना ही जरूरी है जितना यू नो सीरियस, लेकिन किस तरह का मनोरंजन? ओके, गालियों भरा मनोरंजन या जाने बिदोर जैसा मनोरंजन? किस मनोरंजन की हम बात कर रहे हैं? क्या हम जो समाज में आज के यंगस्टर फर्ज करो गालियां देते हैं या जो भी उनकी आदतें हैं, उन आदतों को हम सिनेमा में दिखा के उस पर ये ठप्पा लगाना चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, या हम उसको नकारना चाहते हैं? ये आपकी एज अ फिल्म मेकर क्या जिम्मेदारी है? आपका इशारा सिर्फ दिल्ली बेली पर है कि ऑल द फिल्म्स? दिल्ली बेली पे भी है और बाकी और भी, मतलब बहुत। तो फिर हमारा सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? अगर अगर फिल्म मेकर्स की ये जिम्मेदारी है तो सेंसर बोर्ड की तो पहले होनी चाहिए। बिल्कुल, हम सेंसर बोर्ड को भी लताड़ते हैं। बट जिसने दिल्ली बेली बनाई है उनका ये कहना है कि ये रोजमर्रा के जीवन में यंगस्टर्स ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, यंगस्टर्स को अपील करने के लिए हमने ऐसी फिल्म बनाई। माना तो वो तो मतलब हम उनके जो भी हम उनको सुधारना चाहते हैं, डू वी एग्री विद देम? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। फिल्म मेकर का कहना है कि हम कौन होते हैं सुधारने वाले या बिगाड़ने वाले, हमने तो बस रियलिटी को पेश किया है। उस पर कोई कमेंट नहीं हम करना चाहते? नहीं, कमेंट नहीं करेंगे। तो मतलब कोई वैल्यूज नहीं होनी चाहिए सिनेमा में? नहीं, दे से दैट दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिनेमा विच पीपल वॉन्ट टू सी। तो उनका मकसद सिर्फ धन कमाना है और कुछ नहीं? 90% लोगों का तो यही है ना। तो उनको मुबारक हो धन, मतलब वो धन बिछा के मरे, यू नो, उनकी चिता जो है वो नोटों से जलाई जाए। एंड सेंसर बोर्ड को तो लानत भेजनी चाहिए। दे शुड बी टेकन टू कोर्ट बिकॉज ऑफ पासिंग सच अ फिल्म। एब्सोल्यूटली। आपने ये देखी फिल्म? मैंने ये देखी, मैं देखूंगा भी नहीं, मैं डीवीडी पे देखूंगा, फ्री में देखूंगा। पैसे देके नहीं देखूंगा।